हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरा वीडियो जो है फ्रेंड, इस कनेर के प्लांट के ऊपर है। मेरे पास कनेर के दो प्लांट है फ्रेंड, और ये वाला प्लांट जो है इसमें मैंने एक गलती कर दी थी अगले साल, जिसकी वजह से मेरा पौधा जो है फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हो, एकदम से ख़राब हो गया। ये जो इसका जो मेन स्टेम था, यही एकदम से ख़राब हो गया था फ्रेंड। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ कि ये वाला जो ब्रांच है फिर से इसकी ग्रोथ हो गई, मैंने थोड़ी बहुत केयर की तो। लेकिन मैंने एक गलती की थी फ्रेंड, जिसकी वजह से मेरा पौधा ख़राब हो गया। तो कनेर का प्लांट बहुत हार्डी प्लांट होता है, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम ये प्लांट लिया था तो मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो कुछ गलती मैंने एक गलती कर दी थी जिससे मेरा पौधा इस तरीके से ख़राब हो गया था। फिर इसमें ये नया वाला ब्रांच आया तो इसकी ग्रोथ फिर से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई। यहाँ पे भी आप देख सकते हो दो तीन ब्रांच नीचे भी आए हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे इसके और भी कलियाँ बन रही है, जबकि ये प्लांट डॉर्मेंसी में है, यानी कि इनका अभी विंटर के टाइम पे डॉर्मेंसी टाइम रहता है। फिर भी एक तरह का परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है कि ये पूरा साल भर फूल देते रहता है, डॉर्मेंसी में भी थोड़े थोड़े फूल इसमें आते रहते हैं। और वो जो गलती है फ्रेंड, और यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है, थोड़े यानी कि कलियाँ भी बन रही है फ्रेंड, यानी फूल उस तरीके से नहीं आ रहा है जैसे समर में आता है, लेकिन फिर भी फ्लावरिंग कर रहा है। और इसमें जो है फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हो ढेर सारे सीड बना रहा है, यानी कि सीड पॉट यहाँ पे ये सारे कुछ आए हुए हैं। तो इन सीड पॉट को ये हमें प्लांट में रखना नहीं है, कनेर के प्लांट के लिए ये जो सीड पॉट होते हैं फ्रेंड, ये सीड हमारे प्लांट को कुछ हद तक नहीं, बहुत ज़्यादा ही यानी कि डैमेज कर देते हैं, उसकी जितनी एनर्जी रहती है वो ले लेते हैं। तो ये प्लांट ऐसा है फ्रेंड कि आप बरसात के टाइम पे या फिर फरवरी में आप इसके ढेरों कटिंग के द्वारा पौधे तैयार कर सकते हो। तो इनको हमें सीड से ग्रो करने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि बहुत आसानी से इसकी यानी कि कटिंग लग जाती है, एक बिगनर भी इसको बहुत आसानी से ग्रो कर सकता है। तो इसके कटिंग को लगा लेना ही अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि सीड बनाने में जो पौधा अपना एनर्जी लगाता है और पौधा खुद वीक पड़ जाता है, तो इससे अच्छा है आप अपने पौधों को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करो। और जो इसका सीड पॉट बनता है उसके पहले ही बनने से पहले इस तरीके से पहले ही तोड़ देना चाहिए था, मैंने वीडियो के लिए रखा हुआ था फ्रेंड, यानी कि ये पौधा जो अपनी एनर्जी सीड बनाने में लगाता है फ्रेंड, अगर हम सीड पॉट को निकाल देते हैं तो ये अपनी एनर्जी को अपनी ग्रोथ के लिए लगाएगा और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और हम तो इसकी ये बहुत आसानी से ढेरों यानी कटिंग के द्वारा पौधे बना सकते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा केयर नहीं होता। आप देख सकते हो रोड साइड में बहुत सारे प्लांट लगे हुए रहते हैं कनेर के, तो इतना ज़्यादा हार्डी प्लांट है। लेकिन अपने प्लांट को आप हमेशा हेल्दी ग्रो करना चाहते हो, अगर किसी भी तरह का यानी कि प्रॉब्लम नहीं चाहिए आपको, तो ये काम को आपको करना ही होगा, नहीं तो आपका पौधा अपने आप मर जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अपनी प्लांट को हेल्दी ग्रो करने के लिए इस काम को ज़रूर करें, इसके स्वीट पॉट को निकाल दें और ये जितने भी सूखे हुए यहाँ पे फूलों के ब्रांच रहते हैं फ्रेंड, इनको पिंच करके निकाल लें या फिर कैंची वगैरह से कट कर लें। तो ये भी अपनी एनर्जी इसको सुखाने में भी नहीं लगाएगा, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है फ्रेंड, जो भी सूखे ब्रांच है सूखे पत्ते हैं उनको कट करके हमारे पौधों से हटा देना चाहिए, क्योंकि वो अगर रहता है तो कई बार बारिश की वजह से फंगल अटैक भी होता है उससे और ढेर सारी प्रॉब्लम भी आती है, पौधा अपनी एनर्जी भी लगाते रहता है। तो इसकी वजह से आप अपने पौधों को हेल्दी ग्रो करते हैं, तो इन कामों को जरूर करें, इससे हमारा पौधा हमेशा हेल्दी ग्रो करता रहेगा और कनेर का प्लांट इतना हार्डी प्लांट है कि कभी ख़राब भी नहीं होता है। फिर ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में।